आप लोग देखना पूरा वीडियो कि मैं और मम्मी और पापा बारबेक्यू नेशन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, जा पाएंगे कि नहीं, खेल रहे क्योंकि आज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है महाशप्तमी, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड सम ऑर्गेन्जा साड़ी विद हॉल्टरनेक ब्लाउज, और ये पूरा लुक आपको दिख जाएगा जब मैं पैंडल जाऊंगी, तो वहाँ मैं पूरा लुक शूट करूंगी। एंड मेरी मम्मी पापा भी रेडी हो चुके, हम जा रहे हैं मासी के घर, आज सप्तमी है, वहाँ भोग भोग खाएंगे, दुर्गा पूजा है वहाँ पर, सॉल्ट लेक में हम भोग खाने जा रहे हैं। तो मेरे पापा और मम्मी को थोड़ा दिखा देते हैं, इधर आओ पापा, ये रहे पापा, पापा रेडी हो गए, ये रही मम्मी, मम्मी ने भी ऑर्गेन्जा साड़ी पहना है, और दोनों ही अच्छे लग रहे, कमेंट करके बताना कौन सबसे अच्छा लग रहा है। सो हैप्पी दुर्गा पूजा पापा, बोल दो मम्मी पापा हैप्पी सप्तमी, हैप्पी दुर्गा पूजा भी बोलो, दुर्गा पूजा हैप्पी दुर्गा पूजा। हाँ तो हम चलते वहाँ जाके मिलते। सो मैं पहुँच गई अपनी मासी के घर, और मैंने आपको बोला था कि मैं अपना लुक पूरा दिखाऊंगी, ये मैंने पूरा पहना था, ये साड़ी एंड ब्लाउज एंड द ज्वेलरीज। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो लिया जाए, पूरा वीडियो ऐसे ही दिख जाएगा, मेरा आउटफिट भी दिख जाएगा, पर मैं अच्छी लग रही हूँ ना, बताना। मैं आ चुकी हूँ मासी के घर, ये है साईं बाबा, साईं बाबा तो ये है उनका ड्राइंग रूम, यहाँ मतलब बड़ा सा बालकनी है, ये है मासी फोटो खींच रही है, हैप्पी बर्थडे मासी। फिर ये और एक रूम है, ये है उनका डाइनिंग हॉल एंड एवरीथिंग, ये किचन, और ये एक और रूम, और उधर एक और रूम है वॉशरूम। फिर हम पहुंच गए अपने पंडाल पे, सो अभी हम एंट्री कर रहे हैं पंडाल पे, ये मासी आगे जा रही है, और ये देख कितनी सुंदर है दुर्गा माँ, कितनी सुंदर है, और लाल पारेर साड़ी, सादा साड़ी पहनाया, और फिर मैं यहाँ बैठ के मम्मी के साथ गप्पे लड़ाई थी, और नॉट ओनली मम्मी, मासी के साथ भी गप्पे लड़ाई थी, हम तीनों मिल के बातें कर रहे थे। फिर हम चले गए थे एक अच्छे चीज़ के लिए, ये है अंजलि, मैं बहुत साल से अंजलि नहीं दिया था, इसको बंगाल में बोलते अंजलि। सो मैं रेडी हो गई थी अंजलि देने के लिए, पर बहुत भीड़ था। फिर अंजलि ख़त्म होने के बाद मैं आ गई वापस बैठने, पापा भी आ गए, सो पापा के साथ भी थोड़ा सा वीडियो ले लिया। फिर ये देखिए आवाज़, आपको पता नहीं किस चीज़ का आवाज़ है ये। तो अभी हम खाना खाने आए हैं, भोग खाने, बहुत आवाज़ है, ये है सब बैठे हैं, और क्या क्या खाने में दे रहे हैं सब दिखाऊंगी मैं आपको। माँ हंस तो बच्चा फिर हम आ गए थे भोग के लिए, यहाँ खिचड़ी, लाबड़ा एंड बेगुनी दिया गया था, हम तीनों ने तो मज़े से खाया भगवान का भोग। एंड दिस इज़ माई लुक फॉर अष्टमी नाइट, सुबह तो आपने देखा था मैंने साड़ी पहना था, और रात को मैंने सोचा ये रेड सलवार पहन लूँ, कैसे लग रही हो जल्दी जल्दी बताओ, और ये है मेरा फुल लुक। मैंने इस बार सारे ऑक्सीडाइज पहने, ईयर रिंग एंड बैंगल्स, मैं नेकलेस ये सब नेक चेन ये सब नहीं पहनती, और बिंदी तो मैंने लगाना ही था। रेडी हो चुके शाम के लिए सप्तमी में, एंड क्या हम सुंदर लग रहे हैं कमेंट करके बताओ, एंड हम वहाँ जो बाहर जाएंगे अभी, जो जो भी पंडाल देखेंगे सबका वीडियो लेंगे, और कोशिश करेंगे आज तीनों का एक फोटो आ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है तीनों का फोटो मिलना, बट वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट, सो लेट्स गो। और ये देखिए हम निकल चुके हैं, और कितना लाइटिंग है, कितना लाइटिंग है, ओ माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है, कोलकाता का ये खासियत है, इतना लाइटिंग अच्छा होता है ना कि मत पूछो, हर जगह बहुत ही सुंदर सुंदर है। और ये देखिए कितना लंबा लाइन है, पर हमें मिला था वीआईपी पास, तो हमें कोई लाइन में खड़े नहीं होना पड़ेगा, हम चले जा रहे हैं अंदर, और जाने के टाइम हमें दिखाई दिया, देखिए यहाँ डांस प्रोग्राम हो रहा है, और वाओ लाइटिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो हम वीआईपी लाइन से अंदर चले गए, बुरा लग रहा था लोगों के लिए, पर क्या है, फ़ायदा उठाना चाहिए, जब मिलता है फ़ायदा उठा लो। सो ये है वो पंडाल, इस पंडाल का नाम है दादा भाई शोंगो, जो बहुत ही फेमस है कोलकाता में, और आगे आगे जाते जाइए और देखना क्या क्या देखने को मिलता है। और ये देखिए, ओ माई गॉड, हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर ऑफ दिस पंडाल, कि हर पंडाल दुर्गा पूजा में ना बहुत सुंदर बनता है कोलकाता में, पर
मैं हर जगह नहीं जा पाई, ऑब्वियसली बहुत ही भीड़ रहता है, फर्स्ट टाइम है तो इतना मैं नहीं जा पाई, लेकिन हाँ इसको देखिए आप कैसे बनाते हैं, आइडिया कहाँ से आते हैं। और मेरे क्यूट सी दुर्गा माँ, यहाँ पर बहुत छोटी सी दुर्गा माँ रखा गया है। फिर ये देखिए, ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मैं ये सब देख पा रही हूँ, बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही सुंदर। अभी हम आ गए थे स्पेशल कोलकाता का रोल खाने। यस, कोलकाता में ये सब स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है। तो ये कैसे मिस कर सकती हूँ मैं? मैंने लिया है एग रोल, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ रोल एंड रोटी है, आई मीन रोटी एंड एग है, एंड मम्मी ने लिया है एग रोल ही पर सबके साथ। फिर हम आ गए दूसरे पंडाल पे, ये छोटे छोटे पंडाल हैं, तो हमारे घर के सामने जो छोटे छोटे पंडाल हैं सब जगह गए हम। और यहाँ मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया अपने लिए, पर भगवान जी तो सारे सुंदर होते, सारे दुर्गा माँ सुंदर है। ये है नेक्स्ट वाला, यहाँ पर छोटी सी हमारे घर के सामने दुर्गा माँ आई है। हेलो एवरीवन, और आज है अष्टमी और मैं रेडी हो चुकी हूँ। एज यूजुअल बाहर जाके कोशिश करूंगी मैं अपना ड्रेस दिखाने के लिए, मतलब यहाँ पता नहीं पहले कोलकाता में हूँ ना, पंडाल में इतने भीड़ रहते, इतना भीड़ रहता है ना कि जाके फोटो नहीं खिंचवा पा रही हूँ मैं, मतलब अच्छा सा फोटो, ऊपर से पसीना पसीना हो जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। तो बस चलो अष्टमी सेलिब्रेट किया जाए, हम लोग सुबह नहीं निकल रहे अष्टमी में, अभी शाम को निकलेंगे। रेडी हो चुकी हूँ एंड लेट्स गो। ये हम निकल चुके हैं वापस, आपको थोड़ी से और लाइटिंग दिखाया जाए। ये इसका नाम है मिलन शोंगो। ओ माय गॉड, देखो कितना सुंदर है लाइटिंग, मतलब मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास इन सबको बताने के लिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्यों इतना वो फील आता है कि दुर्गा पूजा में इतना गुड वाइब फील आता है ना। और ये आ गए हम पंडाल, दूसरे पंडाल पे, ये पानी के ऊपर बनाया गया है, पर बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखो दूर से कितना पेंटिंग जैसा फील आता है। ओ माय गॉड, फिर से मैं बोल रही हूँ, सुंदर सी दुर्गा माँ यहाँ पर भी है, हर जगह सुंदर सी है। और पता है यहाँ पर एक कहानी हो गया था, यहाँ वीडियो करने के टाइम एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला वीडियो बन गया था, पर उसके बाद बाहर जब हम निकले हमें यहाँ गन्ने के जूस मिला, फिर यहाँ पर चाट, पापड़ी चाट, चाट ये सब, पान, मीठा पान जिसको पसंद है ये सब भी मिला। फिर हम आ गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यहाँ देखो ये इसको बोलते हैं प्लेट्स, माटी का प्लेट बनता है। फिर आगे चलते देखो, ओ देखो कितना सुंदर सा दुर्गा माँ का मुंह लगाया गया है, वाओ कितना सुंदर है। और देखो कैसे लाइटिंग से पैर लगाया गया है कि माँ का एंट्री हो रहा है दुर्गा माँ, और ये सच में सबसे बेस्ट तो मुझे ये दुर्गा माँ लगी, बहुत ही सुंदर है, माय गॉड। और इस बार मैं पहली बार देख रही हूँ बहुत जगह पे लाल सफ़ेद साड़ी वाला पहनाया गया है। और एज यूजुअल मैं यहाँ पर अपना पोज देते हुए, पर बहुत मुश्किल से जगह मिलता है यार, यहाँ बहुत लोग हो जाते तो मिलता ही नहीं, देखिए क्योंकि वो आंटी को पीछे खड़ी हो गई थी। फिर मम्मी पापा का भी लिया, मम्मी पापा बहुत कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर आ गए दूसरे वाले में, ये ग्रीन वाला भगवान है, फुल ग्रीन है, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, पर अंदर जाओगे ना हमारा ढाक, तो जो मैं बोली हूँ अब देखिए अंदर जाने के बाद कौन नहीं खड़े हो सकता, निहार नहीं सकता है दुर्गा माँ, देखिए ग्रीन दुर्गा माँ और इतनी सुंदर। फिर मेरी हालत देखिए, क्या बन के गई थी और क्या बन के निकली हूँ मैं, सब कुछ ख़त्म। फिर एक और जगह चले गए हम, ये भी बहुत सुंदर बनाया है, छोटे 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 बहुत सुंदर है यहाँ पर। ओ ये भी छोटे छोटे दुर्गा माँ, बहुत ही छोटी सी दुर्गा माँ है यहाँ पर, बस सारे सुंदर है। फिर हम आ गए चाइना मोन में खाने के लिए, और आज हम खाने वाले थे चाउमीन, मिक्स चाउमीन, कोलकाता का दूसरा स्ट्रीट फूड फेमस मिक्स चाउमीन। यहाँ पापा को बोला, पापा आप खाइए, खा के बताओ कैसा है, तो पता ही चल रहा है पापा ने बोला अच्छा ही है, अच्छा बेस्ट है, पापा का बेस्ट ऐसा था। फिर मम्मी को बोला आप बताओ, मम्मी को तो ऑब्वियसली अच्छा लगा, बोली बताओ पहले पापा ये टी शर्ट आपको पसंद आया? पसंद आया। कहाँ से लाई हूँ मैं? कोरिया से। और आपने उधर से क्या बोला था, कुछ भी लाऊं तो आप नहीं पहनोगे? सबसे पहले आपने ही ले लिया अपना टी शर्ट लेके पहन लिया, और मम्मी ने पहना है ढकाई जामदनी, और आज बोलते हैं शुभो नवमी
हाँ, आज दुर्गा पूजा का लास्ट डे है, सो हम अभी जाएंगे कहाँ पापा? हाँ, आप पता ऐसा लग रहा है आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो, मैंने से खड़ा करवा दिया। और कहा, और कहा देखते हैं आप लोग, देखना पूरा वीडियो कि मैं और मम्मी और पापा बारबेक्यू नेशन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, जा पाएंगे कि नहीं। पापा आपको क्या लगता है, पापा आपको क्या लगता है? नहीं मैं तो जाऊंगी। देखते हैं पापा जीतते या मम्मी जीतते हैं। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, दुर्गा पूजा का लास्ट डे है, पर अभी हम जा रहे हैं दोपहर को। सो रात को भी ऑब्वियसली मैं मेकअप वेकअप करूंगी, अलग रेडी होंगी। तो अभी मैंने ये पहना है और मैं जाके वो ऑब्वियसली ड्रेस दिखाऊंगी मैंने क्या पहना है। सो अभी हम चलते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते क्योंकि धूप निकल चुका है, पता नहीं मेरा बाल कितना तक सेट रहेगा। एक दो फोटो वोटो खींच लेते हैं, वीडियो ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वहां जाके। सो हम आ गए थे बाग बाजार सार्वजनीन दुर्गोत्सव पंडाल। यहाँ तो मेला लगा हुआ है, बहुत सुंदर सा मेला लगा हुआ है। आपको ये बताओ कमेंट में ये कौन से फोर्ट है जो उन्होंने बनाया है, अंदर भी कितना सुंदर बनाया है। बाप रे, बोला ना कोलकाता के हर पंडाल बहुत सुंदर होते हैं, और ये भगवान आपको यहाँ से दिख नहीं रहा है, इतना लंबा है भगवान, इतना ऊँचा था ना यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, बहुत ही ऊँचा और लंबा था। फिर हम निकल चुके हैं देखने के बाद, क्योंकि बहुत भीड़ है और बहुत पसीना हो रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था। यहाँ मेला चल रहा है, खाने का स्टॉल वॉल सब है, हम थोड़ा सा घूम रहे थे ऐसे ही। फिर देखो ये खाने में, कोलकाता का फिश फ्राई, बटर फिश फ्राई, पकोड़ा, पॉम्फ्रेट फ्राई, और क्या क्या नहीं, कोबीरा जी, मटन पुलाव, बासुंती पुलाव, पकोड़ा, चिकन, फिश सब थे, पर मैंने कुछ नहीं खाया। फिर हम आ गए कुमोद टोली, जहाँ दुर्गा माँ का मूर्ति बनता है। सो यहाँ का पूजा भी देखना बनता है, तो ये देखिए कितना अच्छा बनाया है, रोटी रोटी का डिज़ाइन बनाया है। और अंदर हम जा रहे थे पर बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन हाँ ये देखिए कितना सुंदर भगवान ने अलग ही डिज़ाइन बनाया है, मतलब ऐसे कोई सोच सकता है, ऐसा बना सकता है कोई। फिर हम आ गए थे बाहर, बाहर आने के बाद ये जो ज्वेलरीज है ना कोलकाता के, बहुत फेमस ज्वेलरीज है, नेक पीस, बेंगल्स, ईयरिंग्स, ये बहुत ही फेमस है। फिर आ गए थे राजबाड़ी शोभा बाजार के, यहाँ पर ना क्या हुआ, विसर्जन शुरू हो गया था उस दिन, फिर हमें वापस जाना पड़ा थोड़ा सा देख के। ये आ गई हूँ मैं नवमी रात के लिए तैयार, और मैंने आज फिर से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन लिया है, और अभी मैं जाने वाली हूँ, जाके देखते क्या क्या दिखेंगे और क्या क्या दिखा सकती हूँ मैं आपको। और ये मम्मी पापा रेडी हो गए, और मुझे ये बताना है कि हम बारबेक्यू नेशन नहीं जा पाए थे क्योंकि हम लेट हो गए थे वहाँ कल, इसलिए पापा जीत गए, बारबेक्यू नेशन हम नहीं जा पाए, और मम्मी यहाँ पोज दे रही थी। और ये देखिए कितना सुंदर पंडाल है, खेलो। और आ गया विसर्जन के टाइम, खेल रहे क्योंकि आज शुभ भी जोया है, दशमी में, वाह सजे दोनों ने। और हम आ चुके थे कोलकाता में पहली बार विसर्जन में जाने के लिए, रेडी है गाड़ी भी, रेडी है भगवान भी, रेडी है सब, रेडी है यहाँ पर सब लोग आ गए थे, मम्मी तो फुल रेडी है, पापा नहीं गए हमारे साथ, तो हम लोग जाने वाले थे, देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है। ये हमारे नेवर है, देखिए कितने सारे दुर्गा माँ जा रहे, मतलब आज बहुत सारे जाने वाले हैं मुझे पता है, और रस्ते में बहुत भीड़ होगा। फिर यहाँ हम लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, पर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे ये हम, ये तीनों ही मेरे नेबर है, मौसमी, दी, तितली, स्नेहा, हम सच में पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। फिर ये आंटी बहुत डांस कर रही थी, बहुत डांस, अच्छी बात है डांस करना, मज़े भी कर रही थी, और सब शुरू हो गए अभी डांस करना, वो अंकल को देखो कैसे डांस कर रहे हैं और हम लोग डांस नहीं कर पाते, और यहाँ नागिन नागिन डांस चल रहा है, मुझे तो ढाक वाला वो गाना चाहिए था, पर चलो ठीक है इसी गाने में डांस हुआ जाए। तो यहाँ पर ये सब डांस कर रहे थे, और मैं तो पहले ऐसे ही एंजॉय कर रही थी क्योंकि मेरे को ना अभी मन नहीं कर रहा था डांस करने का, तो मम्मी लोगों का वीडियो ले रही थी, सब डांस कर रहे थे, उसका ही मैं मज़े ले रही थी। ये देखो मम्मी कितनी खुश है, बाद में पता चलेगा ना पैर कमर दर्द का क्या हाल है, अभी तो ऐसे हम दोनों का ही हालत ख़राब हो रहा था, मैं तो पसीने पसीने से लटपट हो गई हूँ, मुझे देख लो। और मम्मी थोड़ी देर में पता चलेगा, मम्मी को हाथ में चोट भी लग गई थी एक साइकिल वाले से, मतलब मत ही पूछो। और ये है होड़ी शोभा की दुर्गा मूर्ति, जिनको खींच के लेके जाते हैं, सब खींच के लेके जा रहे थे भाई। फिर यहाँ देखो लोग डांस करते करते जा रहे थे, मतलब
लड़की का अलग ही मजा है कोलकाता में, लड़कियां बजा रही है। That's all for today's video. We'll be back with a new video. Till then, subscribe to my channel, like my video, comment on my video, click all the bell notification, follow me on Instagram, and see you. Bye.